बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, आर दो और दो में क्या फर्क है, या अक्सर यहाँ गलती कर ही देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखें कि आप कैसे इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो इन सब का मीनिंग होता है के होते हुए या के बावजूद, यानी इनका मीनिंग तो सेम है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ये दोनों प्रेपोजिशन हैं जो किसी नाउन के साथ आते हैं। वही बात अगर हम आल्दो या दो की करें तो ये कंजक्शन हैं जो दो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, यानी जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो इनके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना होगा। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझे। अगर आपको कहना हो कि बारिश के बावजूद वह बाहर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ रेन, यानी बारिश के बावजूद या बारिश के होते हुए भी वह बाहर गया। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को डेस्पाइट से भी बोल सकते हैं, जैसे ही वेंट आउट डेस्पाइट रेन, यानी बारिश के बावजूद वह बाहर गया। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लिखा जाता, अक्सर लर्नर डेस्पाइट के बाद ऑफ लिखते हैं, जो गलत है। अगर आप इस सेंटेंस को आल्दो या दो से भी बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, बस आपको ये बात याद रखना होगा कि आल्दो के बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना होगा, क्योंकि आल्दो और दो एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। जैसे ही वेंट आउट आल्दो इट रेन्ड, यानी बारिश होने के बावजूद भी वह बाहर गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आल्दो के बाद बोला इट रेन्ड, यहाँ पर इट मेरा सब्जेक्ट है और रेन हमारा वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है। हो सकता है आप सोचे कि सेकंड फॉर्म में क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट में है। अगर आप इस सेंटेंस को दो से बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे ही वेंट आउट दो इट रेन्ड, यानी बारिश होने के बावजूद भी वह बाहर गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि के बावजूद या के होते हुए के लिए आप इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, आल्दो और दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रोजा के बावजूद भी वह दिन भर रिक्शा चलाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही पुल्स रिक्शा ऑल डे इन स्पाइट ऑफ फास्ट। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को डेस्पाइट से भी बोल सकते हैं, जैसे ही पुल्स रिक्शा ऑल डे डेस्पाइट फास्ट। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को आल्दो या दो से भी बोल सकते हैं, ही पुल्स रिक्शा ऑल डे आल्दो ही ऑब्जर्व फास्ट। और अगर आप इस सेंटेंस को दो से बोलना चाहें तो आप कहेंगे ही पुल्स रिक्शा ऑल डे दो ही ऑब्जर्व फास्ट, यानी रोजा रखने के बावजूद भी वह दिन भर रिक्शा चलाता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि आल्दो या दो वाले सेंटेंसेस में मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि आल्दो और दो ये दोनों कंजंक्शंस हैं और इनके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, आल्दो और दो, इन सभी का मीनिंग होता है के होते हुए या के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ये दोनों प्रेपोजिशन हैं, जबकि आल्दो और दो ये दोनों कंजंक्शंस हैं, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।